दोस्तों आज हम आपको बताएंगे दुनिया के 5 ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने जानवरों को अपने घरों में नहीं बल्कि अपने शरीर के अंदर पाला। अब वो जानवर उनके शरीर में उनकी मर्जी से गए या फिर उन्हें किसी और इंसान के द्वारा उसमें डाला गया, चलिए जानते हैं। कॉकरोच। चेन्नई में रहने वाली एक 22 साल की महिला ने अपने सर में होने वाले दर्द के चलते अपने बेटे से डॉक्टर के पास चलने को कहा, जहाँ जाके उन्हें पता चला कि उनके सर का दर्द किसी आम वजह से नहीं बल्कि उनके दिमाग की हड्डी में मौजूद एक कॉकरोच की वजह से है, जो जब भी अपनी जगह से हिलता है तो उनके सर में दर्द और उनके शरीर में एक अजीब सी बेचैनी होने लग जाती है। अब डॉक्टर के लिए भी ये पहली बार देखा गया एक ऐसा केस था जिसमें अगर उस कॉकरोच को उस महिला के सर से नहीं निकाला जाता तो उस महिला का बच पाना मुश्किल था। और जो सबसे बड़ी दिक्कत उस कॉकरोच को बाहर निकालने में आने वाली थी वो थी उस कॉकरोच को जिंदा उस दिमाग से बाहर निकालना, क्योंकि अगर वो उस दिमाग में ही मर जाता तो उससे फैलने वाला बैक्टीरिया कुछ ही पल में उस महिला के पूरे दिमाग में फैल जाता और उस बैक्टीरिया से उस महिला को बचा पाना नामुमकिन था। लेकिन डॉक्टर्स की समझदारी ने उस महिला की जान बचा ली। और जब डॉक्टर्स ने उन महिला से यह पूछा कि वो कॉकरोच उनके दिमाग में कैसे पहुंचा, तब उन महिला ने बताया कि जब वे एक दिन रात में सो रही थी तभी उन्हें अचानक महसूस हुआ जैसे कोई चीज उनके शरीर में घुस रही हो, और जब तक उनकी आंखें खुली वो चीज उनके नाक में घुस चुकी थी। वॉमिनाइस। सोच के देखिए आपकी आंखों के अंदर मौजूद वो काले रंग का रेटिना जिसकी मदद से आप दुनिया में मौजूद सभी अच्छी और बुरी चीजों को देख पाते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई कीड़ा आपके उस रेटिना को खाने लग जाए? जी हाँ, ऐसा हुआ जॉन मैथ्यू के साथ। जब वे कई दिनों से अपनी आंखों से कम दिखने की समस्या से जूझ रहे थे उन्हें लगता था मानो कोई उन्हें अंधकार की तरफ खींच रहा हो, जिसके चलते उन्होंने डॉक्टर से इसकी वजह पूछी, जिसके बाद डॉक्टर ने जो उन्हें कहा उसे जान मैथ्यू ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार के होश उड़ गए। दरअसल डॉक्टर के अनुसार मैथ्यू की आंखों में कीड़ा था जो कि धीरे धीरे उनकी रेटिना को खा रहा था। डॉक्टर के अनुसार जो मैथ्यू के साथ हुआ वो कोई पहला केस नहीं था, इससे पहले भी उन्होंने कई ऐसे केसों के बारे में सुना था। प्लांट इन लंग। दोस्तों आपने पेड़ों को जमीन पर उगते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी इंसान के शरीर पर पेड़ों को उगते हुए देखा है? दरअसल मैनचेस्टर के रोमन सर्जन को जब ऐसा लगा कि उनके शरीर में किसी तरह की पथरी है तो उन्होंने डॉक्टर से उसका एक्सरे करने को कहा, परंतु जब एक्सरे की रिपोर्ट उनके सामने आई तो रोहन के साथ साथ डॉक्टर भी उस रिपोर्ट को देख के अचंभव में थे कि आखिर किसी इंसान के शरीर में पेड़ पौधे कैसे उग सकते हैं। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार रोनन का पूरा शरीर पेड़ों को पालने में मदद कर रहा था, एक ऐसा पौधा जो पानी की जगह खून को पीकर बड़ा हो रहा था। बाद में एक ऑपरेशन की मदद से उसके शरीर में फैली सभी पेड़ों की जड़ों को बाहर निकाला गया। स्पाइडर इन हैंड। दोस्तों क्या आपने कभी किसी ऐसी मकड़ी के बारे में सुना है जो केवल इंसान के शरीर में रहना ही पसंद करती हो? दरअसल ऐसी कोई मकड़ी नहीं होती जो केवल इंसान के शरीर में रहना ही पसंद करती हो, बल्कि वो कोई भी मामूली मकड़ी हो सकती है जिसे अगर मौका मिले तो वो किसी इंसान के शरीर में अपना घर बनाने में नहीं हिचकिचाएगी, क्योंकि इंसान के रूह की गर्मी मकड़ियों को बेहद पसंद होती है। और ऐसा कई बार दुनिया भर के डॉक्टरों ने लोगों के साथ होते हुए देखा है, जिसमें से एक केस में एक जापानी आदमी के शरीर में मकड़ी ने पूरा चक्कर लगाकर अपने लिए शरीर का सबसे पसंदीदा हिस्सा चुन लिया था, परंतु डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन के माध्यम से उसे शरीर से बाहर निकाल दिया गया ताकि उस इंसान की जान बचाई जा सके। दोस्तों आपके घर में सबसे ज्यादा कौन से कीड़े हैं और आपको कॉकरोच छिपकली में से किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।